मेरा नाम अपूर्व है और वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग मेरा पैशन। मैं दिल्ली में रहता हूँ और जब भी मुझे मौका मिलता है इस शहर की भीड़ भाड़ से दूर नेचर और वाइल्ड लाइफ में वीडियोस बनाने निकल जाता हूँ। मैं अपने पैशन को एक स्टेप और आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग और उससे रिलेटेड ट्रैवल वीडियोस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको वाइल्ड लाइफ वीडियोस देखना अच्छा लगता है और मेरा एफर्ट पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड नाउ लेट्स वॉक इनटू द वाइल्ड। आज यहाँ मेरा लास्ट डे है और आज ट्राई करके देखना है कि हमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पास से दिखता है या नहीं। कल की दो सफारी में हमें बस सुबह एक बार बस्टर्ड दिखा था, वो भी बहुत दूर से। और आज अगर बस्टर्ड नहीं मिला तो मेरी ये ट्रिप सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। क्या सीन है, क्या लग रहा है आज बस्टर्ड? कल तो इतना कुछ खास हुआ नहीं, आज देखते हैं हो जाएगा, चलते हैं। कुछ है इन्फॉर्मेशन कहीं पे, कोई साइटिंग? कल भी इन्फॉर्मेशन थी अपने को, मेरे को दो दिखे थे दूर से, बहुत दूर थे। आज भी इन्फॉर्मेशन तो है, चलते हैं उसी लोकेशन पे। टाइम से भी फर्क पड़ता होगा ना कि बस्टर्ड सुबह थोड़ा पास होता होगा फेंस के या ज़्यादा चलता होगा, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ज़्यादा धूप आने के बाद नहीं दिखेगा। अच्छा, ज़्यादा जब धूप हो जाती है ना 12 बजे तक तो वो बैठ जाता है, नहीं तो घूमता रहता है इधर उधर। आज हमारा एक ही टारगेट है बस्टर्ड और हम सीधा प्रोटेक्टेड एरिया की ओर जा रहे हैं। अभी वैसे डेजर्ट नेशनल पार्क में सफारी का सीज़न नहीं है और आजकल हमारे अलावा यहाँ कोई भी सफारी करने नहीं आया है। यहाँ अक्टूबर से सीज़न स्टार्ट होगा और विंटर आते आते यहाँ अलग अलग बर्ड्स की साइटिंग होने लगेगी। तो हम फिर से प्रोटेक्टेड एरिया के गेट के पास आ गए हैं जहाँ बस्टर्ड के दिखने का चांस सबसे अधिक है। अब बस हमें इधर उधर घूमते हुए वेट करना है और भगवान से प्रे करना है कि हमें बस्टर्ड दिख जाए। और थोड़ी ही देर में हमें बस्टर्ड दिख गया। इस बार ये हमसे बहुत अधिक दूरी पे भी नहीं है। ये बस्टर्ड एक मेल है, ये 4 फीट तक लंबे हो सकते हैं और ये दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षी हैं। बस्टर्ड विलुप्ति के कगार पे है और अगर इन्हें बचाया नहीं गया तो ये हमारे ही जीवन काल में समाप्त हो जाएंगे। इन्हें बचाने के लिए राज्य सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, लेकिन हमें और भी प्रयास करना होगा। इनका सालों तक शिकार किया गया है और इनके रहने वाले स्थान पे खेती करना, विंड मिल्स और इलेक्ट्रिक वायर का लगाना इनके विलुप्ति का कारण है। ये अपने अंडे धरती पे ही देते हैं और शिकारी जानवरों के अलावा कुत्ते इनके अंडे और बच्चों पे हमला करते हैं। कहा जाता है कि वाइल्ड में ये 150 से भी कम बचे हैं और डेजर्ट नेशनल पार्क के प्रोटेक्टेड एरिया में 40 से भी कम है। जिस प्रकार से टाइगर को बचाने का प्रयास किया जाता है वैसे ही हमें इनके लिए भी करना होगा, वरना फ्यूचर में हम इन्हें बस वीडियो में ही देख पाएंगे। जितना प्यार हम टाइगर्स को देते हैं अगर इन्हें भी दें तो शायद ये भी बच जाएं और इनकी संख्या बढ़ जाए। तो इतने देर तक अच्छी साइटिंग के बाद अब हम इस रेगिस्तान में छांव की खोज कर रहे हैं जहां हम ब्रेकफास्ट कर पाए। और दूर हमें कुछ बर्ड्स बैठे हुए दिख गए।
ये है इजिप्शियन वल्चर यानी सफेद गिद्ध। अभी ये पूरी तरह से बड़े नहीं हुए हैं। ये पक्षी भी संकटग्रस्त हैं और इनकी संख्या 1990 से 40% हर साल की दर से घटती जा रही है। जैसे कि ये गिद्ध की प्रजाति है तो ये मरे हुए जानवर को ही खाते हैं, लेकिन कभी कभार छोटे जीव जंतु का शिकार भी कर लेते हैं। और इतनी देर धूप में भटकने के बाद हमें अब एक पेड़ मिल ही गया जिसके छांव में हम बैठ के कुछ खा सकते हैं। नाइस। इजिप्शियन यहाँ पे भी उड़ रहा है। और ब्रेकफास्ट के बाद अब हमारी सुबह की सफारी भी ओवर हो गई। आज शाम में हमारी लास्ट सफारी है जिसके बाद आज रात में हमें घर भी जाना है। तो हम फिर से निकल गए हैं अपनी सफारी पे। अभी शाम के 4 बजे हैं और इस बार हमें बस्टर्ड देखने की कोई जल्दी नहीं है। आज हम डेजर्ट नेशनल पार्क में पाए जाने वाले अलग अलग जानवरों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। कल की तरह आज भी हमें धूप में ये स्पाइनी टेल लेजर्ड यानी सांडा दिख गया। इस ट्रिप पे ही मैंने इस छिपकली को लाइफ में पहली बार देखा है और फ्यूचर में कभी दोबारा आना हुआ तो मैं इन पे पूरी वीडियो भी बनाऊंगा। और रास्ते में रुक के अलियर को कुछ दिखा है जिसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया। क्या है? वो पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। यहाँ पे एक डेजर्ट फॉक्स पेड़ के नीचे आराम कर रही है, लेकिन जितने देर में मैं इसे शूट कर पाता वो उठ के भाग गई। और अचानक से हमें ये डेजर्ट मॉनिटर मिल गया। ये रेगिस्तान में पाई जाने वाली एक गोह की प्रजाति है। ये अभी छोटा है और बड़े डेजर्ट मॉनिटर 6.5 फीट तक लंबे हो सकते हैं। इस पेड़ पे हमें फिर से कुछ इजिप्शियन वल्चर मिल गए। अभी की सफारी में हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए नहीं रुकने वाले और आगे चल के कुछ अलग प्रकार के जानवरों को खोजने का ट्राई करेंगे। इस ओर हम डेजर्ट फॉक्स और इंडियन डेजर्ट कैट को ढूंढने आए हैं।
एंड लेट्स होप कि आज सफारी ओवर होने से पहले हमें ये दिख जाए। वो भाग रही आगे और हमें एक डेजर्ट फॉक्स भागती हुई दिख गई। भागते भगाते हमें ये मिल ही गई। पानी के पास एक बार चलना। अब वापस जाने से पहले हमें यहाँ दूर रेगिस्तान में पानी जमा हुआ दिख गया और हम उसे चेक करने जा रहे हैं। यहाँ भी कोई जानवर नहीं दिख रहा है। यहाँ बस ढेर सारे रोजी स्टारलिंग यानी गुलाबी मैना है। और अब वापस भागने का टाइम आ गया है क्योंकि हमें पैकअप करके अब इस ट्रिप से वापस जाना है। भाई रुकना, रोक दो। जाते जाते हमें ये चिंकारा मिल गया लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये थी मेरी डेजर्ट नेशनल पार्क की ये ट्रिप। आई होप फ्यूचर में जब मैं यहाँ दोबारा आऊँ तो बस्टर्ड की संख्या में कुछ बढ़ोतरी हो जाए। आई होप आप लोगों को इस अलग टाइप की सफारी का एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। मिलते हैं जल्दी किसी और जंगल में।